हाय गाइस, दिस इज उस्मान परवेज और आप देख रहे हैं उस्मान परवेज फिटनेस। आज हम बात करेंगे कि हमें जिम में बहुत से लड़कों के कंफ्यूजन होती है कि हमें जिम में हैवी वेट उठाना चाहिए या लाइट वेट उठाना चाहिए। हैवी उठाने से हमारे मसल साइज बढ़ेंगे या लाइट वेट उठाने से मसल्स बढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा मैं बिजी था, जिस वजह से 8 या 10 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए बहुत मैं माजरत ख्वाह हूँ आपसे। आपको वेट करना पड़ा, बेसिकली थोड़ी सी मसरूफियात थी मेरी। आपको मेरा बैकग्राउंड भी चेंज नज़र आ रहा होगा, तो समझ जाएं अगली बात को खुद ही। टॉपिक हमारा यह था कि वेट हैवी उठाएं या लाइट उठाएं। आप जिम में देखते होंगे बहुत से लड़के हैवी वेट उठाते हैं और उनके मसल बिल्डअप हो जाते हैं, बॉडी बन जाती है। उसके बरक्स जब आप हैवी वेट उठाते हैं, आपके मसल बनने की बजाय आप उल्टा आपका साइज डाउन हो जाता है। इसी तरह कुछ लड़के आप ऐसे देखेंगे जिनके बड़े हैवी मसल हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बिल्ड अपनी फिजिक बिल्डअप की हुई है, और वो लाइट वेट उठाते हैं और उनकी बॉडी बन रही है। लेकिन जब आप लाइट वेट उठाते हैं, ना आपको पंप आता है अच्छा और ना आपकी बॉडी बनती है। तो इस सब के पीछे वजह क्या है और आपको क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है और किस तरह आपने अपने वर्कआउट को प्लान आउट करना है और कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहली वजह ये कि जब आप अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखेंगे और आप वेट उठाते रहेंगे, बिल्कुल उसके बरअक्स आप वेट उठाएंगे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में बताया था कि जैसे आप जितना आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 70 केजी वेट है, तो आपने 140 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक अपनी आपने रखनी है, तब आपको गेंस मिलेंगे। इसी तरह अगर आप एक आम इंसान दिन में 3 टाइम खाना खाता है, रोटी खाता है, घर में जो भी चीज़ पकी होती है सालन वगैरह वो खाता है, और वो जिम में आके हैवी वेट जब उठाएगा तो उसकी बॉडी बड़ी होने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि वो जितनी कैलरीज खा रहा है उससे ज़्यादा कैलरीज वो जिम में बर्न कर देता है, जिस वजह से उसका साइज डाउन हो जाएगा, मसल बड़े होने की बजाय छोटे हो जाएंगे उसके। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दिन में बहुत कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर एंड ETC, और आप जिम में आके लाइट वेट यूज़ करते हैं, तो आपके मसल बनने की बजाय आपका बॉडी फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप जिम में एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मैं कितना खा रहा हूँ और मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है। इसमें अब होगा ऐसे कि अगर आप अपनी डाइट आपने ठीक रखी है, प्रोटीन इनटेक भी आपकी ठीक है, आप वेट भी हैवी उठा रहे हैं, आपके मसल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं, आप किसी शादी पर चले गए हैं या फौतगी पे, या किसी वजह से आप बिजी हैं, घर में कंस्ट्रक्शन का काम है, आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले सक रहे, और आप जिम आके बिल्कुल सेम रूटीन में हैवी वर्कआउट्स कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे आप, लेकिन अब आपकी डाइट वो नहीं है। 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपका डाइट प्लान चेंज हो चुका है, लेकिन एक्सरसाइज स्किल आपकी रिमेन सेम वही है, उसमें भी आपका मसल साइज डाउन हो जाएगा। आपको बहुत शार्प तरीके से, बहुत सोच समझ के अपने एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। जितनी आपकी खुराक है उतनी आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर तो आप चिकन, अंडे, मछली और अच्छी खुराकें भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 3 टाइम खाने के अलावा, फिर आप हैवी वेट उठाएं, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अगर आपकी डाइट में मसला है, आप ये सब चीज़ें नहीं खा रहे और फिर आप आके जिम में हैवी वेट उठा रहे हैं, तो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने करना ये है कि अगर आपकी डाइट सिंपल है, दिन में आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, उसके अलावा कोई एडिशनल अंडे या चिकन मिल्क शेक्स वगैरह आप नहीं यूज़ कर रहे, फिर आपने करना यह है कि आपने जिम में आके बिल्कुल लाइट वेट उठाना है। मोस्टली मैं लड़कों में ये चीज़ देखता हूँ कि वो जब चेस्ट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट में 20 किलो का वेट एक तरफ है, 20 एक तरफ, टोटल 40 केजी का वो चेस्ट लगा रहे हैं, उसी तरह वो जाते हैं और कोशिश करते हैं बाइसेप पे भी हम हैवी वेट उठाएं, 10 किलो 15 किलो के उन्होंने एक साइड पर वेट डाला होता है और झूल झूल के बाइसेप लगा रहे हैं, और जब शोल्डर की बारी आती है शोल्डर पे 5 किलो का वेट लगा के तो शोल्डर लगा रहे होते हैं, जो बिल्कुल डिसबैलेंस है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। आपने करना ये है, अगर आप हमारे मसल के साइज को आप देखें, आपकी चेस्ट का ये इतनी बड़ी आपकी चेस्ट है, लेकिन जब आप बाइसेप बनाएंगे तो ये आपका छोटा सा बाइसेप है, तो बाइसेप पे उतना ही लोड डालें जितना उसका साइज है, ठीक है।
5 किलो 10 किलो एनफ है। अगर आपका, मैं 5 किलो लगाता हूँ बाइसेप पे, से ज़्यादा मैं नहीं लगाता। 16 इंच का मेरा बाजू है और चेस्ट पे मैं 40 kg, 80 kg, 100 kg भी लगा लेता हूँ, क्योंकि चेस्ट मसल ही बहुत बड़ा मसल है। ठीक है, इसी तरह जब हम लेग्स लगाते हैं तो लेग्स पे हम 200 kg तक भी हम स्क्वाट्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा मसल है लेग का। ठीक है, आपने ये चीज़ समझनी है और इस चीज़ को समझ के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सीखने की बात ये थी कि जितना आपका, जितनी आपकी डाइट है, जितना कुछ आप खा रहे हैं, उतनी एक्सरसाइज करें, उससे ज़्यादा ना करें, उससे कम भी ना करें। तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, आपने अपनी डाइट में देखना है कि आप कितनी डाइट खा रहे हैं, उस डाइट में कितनी प्रोटीन है और कितना फैट है, उसको देख के उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। अगर आपको एक्सरसाइज की समझ नहीं आती तो जो आपका ट्रेनर है आप उस ट्रेनर से पूछें, वो आपको अच्छा गाइड कर देगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।